गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे इज़ योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ सेव लाइफ डोनेट ब्लड। सेव लाइफ मतलब हम किसी के भी जीवन को बचा सकते हैं, उसमें से एक एग्जांपल है डोनेट ब्लड। मींस क्या है कि हम ब्लड को डोनेट करके किसी भी जिसे ज़रूरत है उसे हम किसी मतलब किसी भी पर्सन को अगर खून की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, तो उसे हम दे करके बचा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि किसी का लाइफ को सेव करना हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा काम है। दिस इज़ अ वंडरफुल यूनिवर्स। ये जो ब्रह्मांड है बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है। इट इज़ सो वेस्ट दैट इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये इतना बड़ा है कि हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा है। हमारी कल्पना से भी अधिक जो ब्रह्मांड है बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है। यट मैन विथ हिज लिटिल इंटेलिजेंस इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स एंड कंक्लूड इट। अभी तक जो मनुष्य है वो अपनी छोटी छोटी बुद्धियों से कोशिश करके इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ों को लाया है और जीता है। बट ही सून रियलाइज दैट देयर इज स्टिल मच मोर टू न्यू। बट उसे अभी ये भी पता है, ये भी एहसास है कि अभी बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं जो वह नहीं कर पाया है। एज अ रिजल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग डे बाई डे। लेकिन अभी तक मनुष्य ने जितना भी किया है उसका जो रिज़ल्ट है यही है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत सी चीज़ों को डेवलप किया है, डे बाई डे डेवलप करता ही है। मैन बोस्ट दैट साइंस कैन मेक इवन द इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। मनुष्य कभी कभी बढ़ा चढ़ा कर भी बोलता है कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो असंभव चीज़ को भी संभव कर सकता है। He has reached the outer space, वह दुनिया के बाहर पहुँच चुका है। Multiplied comforts of life, वो हमारे जीवन में हम अपने दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम आराम कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों को भी वो बना चुका है। Extend the life span, मतलब क्या हो गया कि हम जैसे कभी कभी जो मनुष्य बहुत जो ओल्ड जो लोग होते हैं उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत होती है, और उनके अगर वो जैसे मान लीजिए तो कोई ओल्ड आदमी है, अगर उसके लिए हम कोई व्हील चेयर या कोई भी अच्छी सी चीज़ व्हील चेयर ला दे रहे हैं, अब वो और दिन तक वो चल सकता है। तो व्हील चेयर एक टेक्नोलॉजी की चीज़ हुई कि टेक्नोलॉजी ने ये बनाया व्हील चेयर वो बैठ के सारे वर्क इधर उधर कर सकता है, वरना अगर वो एक ही जगह बैठा रहता तो वो अपने जीवन से तंग हो चुका होता, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ किया कि इंसान के आराम के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई जिसकी वजह से इंसान का जीवन काल और भी बढ़ गया। यट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रिएट लाइफ। लेकिन वो अभी तक एक चीज़ नहीं बना पाया है, कभी योग्य नहीं हो पाया है, जो है द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, जो ईश्वर ने हमें दिया हुआ है वो है हम जीवन। द एल माइटी, जो सर्वशक्तिमान है जीवन, ठीक है। क्रिएट लाइफ मतलब मनुष्य ने अभी तक जीवन नहीं बनाया है और ना वो कभी योग्य होगा जीवन बनाने का। जीवन हमें हमारे ईश्वर ने ही दिया है जो हमारे लिए सर्वशक्तिमान है। द फूड वी टेक ट्रांसफॉर्म्स इन टू ब्लड। जो भी खाना हम खाते हैं वो ट्रांसफर होके वो चेंज हो जाता है ब्लड में। ब्लड इज़ ए लाइफ गिविंग एंड लाइफ सस्टेनिंग सब्सटेंस। ब्लड एक लाइफ गिविंग है और लाइफ सस्टेनिंग सब्सटेंस। ब्लड की हेल्प से हम किसी की भी जान को बचा सकते हैं। दिस एबिलिटी इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू ऑल ह्यूमन बींग्स। और ये जो योग्यता है ईश्वर ने सारे ह्यूमंस में डाली हुई है, सारे ह्यूमंस में ब्लड है, ठीक है। ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, और मेडिकल साइंस की कुछ एडवांसमेंट है, कुछ उन्नतियाँ हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू टेक द ब्लड फ्रॉम वन हेल्दी पर्सन एंड गिव इट टू अनदर हु इज़ नीड ऑफ ब्लड। ये मेडिकल साइंस की उन्नतियाँ हैं जो ये पॉसिबल किया है कि किसी भी हेल्दी पर्सन का जो ब्लड है वो किसी भी ऐसे इंसान में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसे उस ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड इज़ रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट्स हु आर अंडरगोइंग ऑपरेशंस। ब्लड हर एक हॉस्पिटल में ज़रूरी रहता है जो पेशेंट के लिए होता है, हु आर अंडरगोइंग ऑपरेशन, जो अक्सर ऑपरेशन के लिए जाते हैं उन्हें ब्लड की ज़रूरत रहती है। इट हेल्प्स एक्सीडेंट विक्टिम्स ऑफ बर्न्स एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस एनीमिया। एनीमिया एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम खून की कमी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड मतलब कभी कभी लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कभी लोग जल भी जाते हैं, और कभी कभी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ब्लड हमेशा हॉस्पिटल में रिक्वायर रहता है, ज़रूरत रहती है। स
सम न्यू बॉर्न बेबीज़ डाई बिकॉज ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स. बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो खून की कमी से ही मर जाते हैं. सच बेबीज़ कैन बी सेव्ड बाय, और ऐसे बच्चों को हम सेव कर सकते हैं बाय वॉलंट्री ब्लड डोनर्स. वॉलंट्री मीन्स स्वैच्छिक. अपने आप से हम ब्लड डोनेट करके हम ऐसे बेबी का और ऐसे इंसान की भी जान बचा सकते हैं जिसे ब्लड की ज़रूरत है. ठीक है, आज इतना ही. नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे एक्सप्लेन करूँगी. कुछ इसमें वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स मैं लिख के सेंड कर दूँगी, उसे अपने बुक में चैप्टर में लिख लीजिएगा. ठीक है, चैप्टर समझिए और समझने की कोशिश करिए कि हम किस डोनेट ब्लड करके हम किसी के लाइफ को कैसे बचा सकते हैं. ओके, थैंक यू.